सब्सक्राइब करें गोइंग टू एडिटिंग चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी फोटो की बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको इसके लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक आर्ट। क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करें। उसके बाद जो आपने फोटो जो आपका फोटो जिस फोटो का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है सिंपली उस फोटो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। क्लिक करना है और प्री क्रॉप उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये रिमूव कर देना है, पीछे वाला हिस्सा को पूरा लाल कर देना है। तो मैं इसको अभी काटूंगा क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं हो जाए। मैं इसको काट के आपको दिखाऊंगा। सिंपली मैंने ये भी काट लिया है, ये मुकम्मल हो गया है। आपका सामने कुछ इस तरह होगा। उसके बाद आपको सिंपली ये डाउनलोड कर देना है ये पिक को। सिंपली सेव पर क्लिक करें, सेव कर दें ये फ़ोटो को, डन करें। उसके बाद सेव करने के बाद सिंपली आपको ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐप की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। सिंपली उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, तो आप इस शेड वाले को क्लिक करें। उसके बाद इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद आप मीडिया पर क्लिक करें। सिंपली जो आपने अभी जो बैकग्राउंड आपको रखना है उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करें, जो बैकग्राउंड आपको उस तस्वीर के पीछे ला देना है। सिंपली उसको क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोटो पर क्लिक करें, वो बीच वाले पर क्लिक करें और स्टॉप के बटन को दबाएं ताकि आपका फ़ोटो नहीं हिल सके। अपने हिसाब से आप फ़ोटो को अपना सेट करें। उसके बाद सिंपली आप प्ले करें, देखें हमारा फ़ोटो अब नहीं हिल रहा। उसके बाद आप लेयर पर मीडिया पर क्लिक करें। उसके बाद जो आपने भी फ़ोटो अपना रिमूव किया था, सेव किया था, उसको सेलेक्ट करें अपने हिसाब से। आप फिर इसको सेट कर दें अपने हिसाब से, इसको आप सेट कर दें। उसके बाद अपने फ़ोटो पर क्लिक करें, इस पर आप कलर भी डाल सकते हो जो आपका मन चाहे। अपने फ़ोटो को आप कलर भी दे सकते हो जिससे आपका फ़ोटो बैकग्राउंड से मैच करें। उसके बाद आप अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करें और फोटो वाली जगह पर क्लिक करें, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करें। उससे क्या होगा, एक पिक्चर वो आपका लेगा जिससे वो आपका पिक्चर डाउनलोड होगा आपके सेव गैलरी में। उससे ये होगा कि वो सिर्फ आपका एक पिक्चर ही होगा और उसमें वाटरमार्क भी नहीं आएगा काइन मास्टर का। और उससे जब आप ये डाउनलोड करेंगे इससे ये होगा कि आपका वीडियो बन जाएगा। आपको तो एक फ़ोटो बनाने, तो सिंपली उस पर क्लिक करके ऊपर वाले पे आप क्लिक कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये आपका फ़ोटो आ जाएगा आपकी सेव गैलरी में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी सेव गैलरी में सेव हो गया कि नहीं हो गया। सिंपली अपने सेव गैलरी में जाएं, उसके बाद आप देखें ये रहा हमारा फ़ोटो, यहाँ पर सेव हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।